आज जो 2 अक्टूबर का डेट है, ये महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, जिसको हम गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। तो इस गांधी जयंती के मौके पे ये पैन इंडिया बेसिस पे एक आउटरीच और अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा, जिसमें हर दिन अलग अलग किस्म के प्रोग्राम होंगे। आज जो पहले दिन हमने शुरुआत की है वो स्वच्छ भारत अभियान से की है हमने। इसका मतलब यही है कि सफाई रखिए, अपने घरों में सफाई रखिए, अपने मोहल्लों में सफाई रखिए, अपने इलाकों में सफाई रखिए, अपने आप को साफ रखिए, पूरे माहौल को साफ रखिए। जब माहौल साफ होगा, आपके हमसायगी में सफाई होगी, आपके घर में सफाई होगी, तो आपके ख्यालात भी साफ रहेंगे। इसका यही मतलब है कि हमको पूरे मुल्क को, यानी हिंदुस्तान को, हमने पूरी अच्छी तरह से साफ रखना है। और हमने ये सफाई, गंदगी जो है वो हमने जगह जगह नहीं छोड़नी है। जो मुकर्रर जगहें हैं जहाँ पे डस्टबिन लगाए हुए हैं, उनमें ये गंदगी छोड़नी है, ताकि जो उठाने वाले हैं उनको भी सहूलियत हो और हमको भी सहूलियत हो। इस प्रोग्राम में जो 14 नवंबर तक चलेगा, इसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स हैं और अवेयरनेस कैंपेन है एक, जो लोगों को अवेयर किया जाएगा और अलग अलग प्रोग्रामों से उनको बताया जाएगा कि उनके हुकूक क्या हैं, उन हुकूक की पामाली अगर होती है तो उनके पास इजाले क्या हैं, उसके वो कहाँ जा सकते हैं उनके लिए। तो ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है और हमारे हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है और उन पर ये फ़र्ज़ आयद है कि वो लोगों को आगाह करें कि उनके हुकूक क्या हैं, उनके हुकूक की पाबंदी ना हो, और अगर होती है तो वो लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि खुद को साफ़ रखिए, अपने घर को साफ़ रखिए, अपने मोहल्ले को साफ़ रखिए, अपने गांव को साफ़ रखिए, अपने ज़िले को साफ़ रखिए। जब ये घर से शुरुआत होगी तो तभी ये कैंपेन आगे चलेगा और पूरा देश एक दिन साफ़ हो जाएगा।